नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसमें आज हम एक सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले, और वो टॉपिक है VPN। तो यहाँ पे ढेर सारे ऐसे जो इंडियन यूट्यूबर और इंडिया में ऐसे ढेर सारे एडसेंस यूज़र हैं जो हाल में VPN का यूज़ करके अपने एडसेंस अकाउंट से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके एडसेंस अकाउंट के साथ क्या हो सकता है, और यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ और यहाँ पे मैं आपको ढेर सारे ऐसे डेमो दिखाऊंगा। इसकी मदद से यहाँ पे आप जान सकते हो कि गूगल आपको किस तरह से यहाँ पे आसानी से ट्रैक कर लेता है कि आप अपने अकाउंट के साथ खुद के ऐड पे क्लिक कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी ऐड पर कभी क्लिक ना करें, और अगर आप करते हो और यहाँ पर अगर आपको कोई कहता है कि VPN का यूज़ कीजिए, तो भी आपको यहाँ पे VPN भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप VPN यूज़ करते हो तो आपका अकाउंट यहाँ पे डेफिनेटली 1 वीक में सस्पेंड हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गूगल आपको किस तरह से ट्रैक करता है। तो ये सब कुछ जानने के लिए यहाँ पर वीडियो देखते रहिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड क्या चल रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे VPN का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि VPN का सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करते हैं, जो 10th में स्टडी कर रहे हैं या तो यानी कि स्टूडेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अकाउंट्स में VPN का यूज़ करके खुद के ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे वो VPN की मदद से आसानी से जो $1 CPC लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि आप जब भी ऐसा करोगे तो इसका एक ही रिजल्ट होगा, यानी कि परिणाम वो आपका एडसेंस अकाउंट यहाँ पे एक ना एक दिन आपके $100 कंप्लीट भी नहीं होगे, और यहाँ पे आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से गूगल आपको ट्रैक करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे ढेर सारे ऐसे वीडियो देखे, इसके बाद में वीडियो बना रहा हूँ कि आपको किस तरह से आप अवेयर रहे और आपका एडसेंस अकाउंट किस तरह से सेफ रख सके। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हो यहाँ पर आपको देखिए ढेर सारे जो इंडिया में ढेर सारे लोग हैं वो एडमोब का यूज़ करते हैं, लेकिन ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो खुद की वेबसाइट पे खुद की ऐड पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे एक आपको दिखा देगी वेबसाइट, और यही वेबसाइट में यहाँ पे मैंने एनालिटिक को कनेक्ट करके रखा है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर आप अपनी वेबसाइट में एनालिटिक आपने लगा कर रखा है, तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि आप अपनी खुद की ऐड पे क्लिक करते हो। तो देखिए, आपको सबसे पहले जाना है ऑडियंस में, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी मोबाइल, और यहाँ पे हम मोबाइल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ओवरव्यू पे क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक बताएगा कि जो आपकी वेबसाइट कितने कितने डिवाइस में ओपन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप मोबाइल टैबलेट, इसमें यहाँ पर हम डिवाइस पर क्लिक करके, तो यहाँ पर आपको डिवाइस के नेम भी बताएगा कि इस डिवाइस में आपकी वेबसाइट ओपन होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा देगा जैसे कि एप्पल आईफोन सैमसंग, इसके बाद लाइव सैमसंग SM J7 Prime। तो यहाँ पे अगर आप अपने फ्रेंड के पास से किसी भी प्रकार का मोबाइल लेते हो या आप अपने खुद के मोबाइल में VPN का यूज़ करते हो, तो एक ना एक दिन गूगल को पता चल जाएगा और आपका एडसेंस अकाउंट यहाँ पे परमानेंटली डिसेबल होगा, यानी इसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पर मेरे ख्याल से दूसरी बार आप अवेल भी नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको आपके साथ कुछ जो स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ जो रिसेंटली यहाँ पे फेसबुक में मैंने देखे थे। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिखा देगा स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे इस बंदे ने लिखा था कि मेरा अकाउंट यहाँ पे सस्पेंड हो चुका है, यहाँ पे कोई ऐसा है जो मेरी हेल्प कर सके। तो देखिए यहाँ पे अब इंडिया में क्या चल रहा है, यहाँ पे देखिए आपको मैंने दूसरा आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो देखिए इस पोस्ट में पहली कमेंट आई थी, और पहली कमेंट में क्या लिखा था कि आप कौन सा VPN यूज़ करते हो। तो यहाँ पे इसके बाद जो जिसने पोस्ट की थी इसी यहाँ पे रिप्लाई किया कि मैं इस VPN का यूज़ करता था। तो आपको समझना चाहिए कि अगर आप अपनी वेबसाइट या अपनी जो आपके एडसेंस अकाउंट के साथ VPN का यूज़ करके आप खुद की ऐड पे क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पे कितना लॉस हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने गूगल ने आपको मान लीजिए $19 तक आपने ट्रैक नहीं किया, उसके बाद आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो आपकी मेहनत सभी पानी में जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पे मेहनत करके और अपने आपकी अच्छी एप्लीकेशन या तो आपकी खुद की वेबसाइट और या तो आप यूट्यूब में वर्क करके आसानी से यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, अगर यहाँ पे लीगल वे में वर्क करते हो तो। तो यहाँ पे मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप अपनी एडसेंस के साथ अगर VPN का यूज़ करते हो, तो एक ना एक दिन आपका एडसेंस अकाउंट डेफिनेटली
सस्पेंड होगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जस्ट मैंने आपको अवेयर करने के लिए वीडियो बनाया था, और यहाँ पे मैंने ढेर सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखे जिसमें फ्रीक्वेंटली कहा जाता है कि जो एडसेंस की सेल्फ क्लिक ट्रिक, और यहाँ पे VPN का इस तरह से यूज़ करना है, इसके बाद इतनी क्लिक आपको पर डे करनी है, इतने डॉलर आपको पर डे बनाने हैं, तो ये डेफिनेटली इनलीगल है। और यहाँ पे एक ना एक दिन आपका एडसेंस अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल में बात कर रहे थे। तो फाइनली यहाँ पे मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये बहुत ही पसंद आया हो। अगर आप यहाँ पे एक यूट्यूबर, एक ब्लॉगर, आपके पास वेबसाइट है और या तो आपके पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आप अपनी ऐड पे कभी क्लिक ना कीजिए, और यहाँ पे आप कभी भी अपने फ्रेंड को ना कहना। इसके बाद यहाँ पे आप कभी भी VPN का यूज़ मत करना अगर आप अपना एडसेंस अकाउंट यहाँ पे सेफ रखना चाहते हो तो। और यहाँ पे फाइनली मैं आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।